The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। बात करेंगे आज पॉइजनिंग पे। पॉइजनिंग भाई बहुत जोरदार खतरनाक ऐसी जानलेवा चीज़ की खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो लेकिन हो जाती है कभी कभार। कभी कोई पॉइजन खिला दिया जा देता है किसी को, कोई गलती से खा लेता है, बच्चों के केस में ऐसा हो जाता है। और पॉइजनिंग मतलब क्या? पॉइजन मतलब जहर, पॉइजनिंग मतलब इस प्रकार की इंजरी जो पॉइजन खाने से हो रही है। पॉइजन खाने से कभी कभार एसिड पी लेने से आपके पूरा का पूरा गला जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जल सकता है, अंदर से इंजरी हो सकती, छेद हो सकते हैं, गड्ढे हो सकते हैं उसमें, राइट। जो आप अगर उसे पी लें तो इंजरी, पॉइजनस गैस सूंघ लें तो इंजरी, अंदर लंग्स में इंजरी हो सकती है। कोई किसी पॉइजन को टच कर लें तो इंजरी, मान लीजिए हाथ जल जाए, मान लीजिए वो हाथ से एब्जॉर्ब हो जाए शरीर में, टॉक्सिसिटी करें, ऐसी इंजरीज। या फिर इवन इंजेक्शन, पॉइजनिंग के, पॉइजनस चीज़ों के अगर इंजेक्शन लग जाए केमिकल्स के, या मान लीजिए किसी ने, सांप ने काट लिया तो वेनम आपके अंदर घुस जाए, गैसेस कोई आपके अंदर चले जाए थ्रू सम और दी अदर वे, तो वो सारी चीज़ें आपके शरीर में नुकसान करेंगी, दोज आर कॉल्ड पॉइजन। बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं, मैनी सब्सटेंसेज जैसे ड्रग्स हैं, कार्बन मोनोक्साइड है जो पॉइजनस है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेज हैं जो तभी पॉइजनस है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ऑलराइट, एवरीथिंग इज पॉइजन इन सर्टन अमाउंट। बहुत ज़्यादा नमक पॉइजन है, बहुत ज़्यादा शुगर पॉइजन है, राइट। सो कुछ जैसे क्लीनर्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, वो सारे पॉइजनस है अगर खा लोगे तो, ठीक है, और गलत जगह पे यूज़ किया तो पॉइजन है। बच्चों के लिए, बच्चे आर सेंसिटिव टू इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन। सर्टन मेडिकेशंस, सर्टन ड्रग्स ऐसी होती हैं जो, बेटा पहले गेट बंद करो, पहले गेट बंद करो, जब गेट बंद करके आओ फिर आओ। हाँ अच्छा ठीक है, होल्ड ऑन गाइस। सो बात आगे बढ़ाएं पॉइजन की। पॉइजन में बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे बच्चे की बात करी हो जाता है, कभी कभी बच्चे आ जाते हैं पीछे से आवाजें आएंगी, कोई बात नहीं। सो बात कर रहे हैं हम कि पॉइजन में फर्स्ट एड क्या करना, हाउ टू ट्रीट समवन हु हैज जस्ट टेकन, या उसने गलती से ले लिया, उसने मिल गया पॉइजन ले लिया तो क्या करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, पर्सन को क्या सिम्टम आ रहे हैं। नंबर टू, पर्सन की उम्र क्या है, बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है। नंबर थ्री, वेदर यू नो और नॉट कि कौन सा पॉइजन लिया और कितना पॉइजन लिया, अमाउंट एंड टाइप ऑफ पॉइजन, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ डाउट है, पता नहीं है, सिर्फ डाउट है कि खाया कि नहीं खाया, तो ऑब्जर्वेशन में भी बच्चे को रखा जा सकता है या बड़े को रखा जा सकता है। उसमें पॉइजन कंट्रोल हेल्पलाइंस हैं, पूरी दुनिया में है, अपने अपने स्टेट के आप सर्च मार सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कौन सी पॉइजन कंट्रोल लाइन्स है, उसको करें। जब यू, व्हेन यू सस्पेक्ट, बेटा टूट जाएगा प्लीज डोंट टच, व्हेन यू सस्पेक्ट पॉइजन तो क्या करोगे, पॉइजनिंग के साइन और सिम्टम्स चेक करेंगे। अब पॉइजन के साइन और सिम्टम कैसे होते हैं थोड़ा समझिए। पॉइजन के साइन और सिम्टम्स आर सिमिलर टू अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या फिर जो मिर्गी का दौरा पड़ता है वैसा। सो यू माइट सी कि somebody इज जस्ट गेटिंग मिर्गी का दौरा, या somebody इज जस्ट लाइक किसी को अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जैसा, दारू पिए जैसा लग रहा है, या इवन स्ट्रोक जैसा लग रहा है, एक हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह से झाग निकल रहा, या इंसुलिन रिजेक्शन रिएक्शन जैसा जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, एकदम सिर्फ बेहोश सा हो रहा है। सो ऑल दीज आर साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉइजन। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यू कैन हैव, क्योंकि अगर पॉइजन जो है वो जलाने वाला है तो मुंह के अंदर लालपना या बर्न्स हो सकते हैं, छाले दिख सकते हैं, और स्मेल आ सकती है गंदी वाली, अगर उनके मुंह और नाक से, अरे ये क्या खाया हुआ है इसने, तो कुछ स्मेल आ रही है, वो दिख जाएगा। पेंट थिनर, गैस, कैरोसिन, इनकी तो बहुत टिपिकल स्मेल होती है। वॉमिटिंग आ सकती है,
ड्राउजीनेस हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं तो पॉइजनिंग की चांसेस हैं या इसमें से कुछ है। तो अगर आपको अब सस्पेक्शन है, सिर्फ सस्पेक्ट कर रहे हो कि पॉइजन है, देन सर्च फॉर किस चीज़ का हो सकता है, आसपास देख लो, आसपास देख लो कि किस चीज़ का पॉइजन हो सकता है, उसकी कोई एम्प्टी बॉटल है, एम्प्टी पैकेट है, इस चीज़ को जरा ढूंढो, एम्प्टी पैकेट को ढूंढो, ठीक है, एम्प्टी पैकेट, एम्प्टी ऐसी चीज़ें, ताकि हमको अगर मिल जाए कि इस चीज़ का पॉइजन है तो हमें पता चल जाएगा, कोई स्कैटर्ड पिल्स हैं, कोई कोई शर्ट पे कोई निशान है कि हाँ ये चीज़ है, ये दाग लग रहा है, ये है, केरोसिन है, स्मेल है, क्या है, ऑलराइट, सो वी नो व्हाट क्या लिया है, बहुत ज़रूरी है वो, खासकर बच्चे के केस में, बच्चों के केस में बहुत ज़रूरी होता है, कुछ भी उठा के खाना नहीं है, ठीक है, दाई को नहीं पीते, ठीक है, ऑलराइट, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टिप्स। देन अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ड्राउजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, तो वेट नहीं करना है, दौरा पड़ रहा है, सीजर है, तो वेट नहीं करना है, ठीक है, मेडिकेशन कोई दी है, मेडिकेशन ली है और फिर अजीब से सिम्टम आ रहे हैं, तो इट माइट बी एन एलर्जिक रिएक्शन, कभी कभी एनाफेलेक्टिक शॉक होके जान जा सकती है, इट्स अ डिफिकल्ट, इट्स अ सीरियस सिचुएशन, ऐसे में भी वेट नहीं करना, रश टू अ हॉस्पिटल, कॉल अ डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है, और अपने सिम्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए रेडी रहो, वो इम्पोर्टेंट है, यानी पेशेंट को, ठीक है, अब वाइल जब तक आप हॉस्पिटल जाते हो, ये खाओ, चलो चलो कॉफ, गुड बॉय, चलो वेरी गुड, ठीक है, अभी फोन आना है ना, तरमा को भी पता नहीं क्या हो गया। सो अगर आप मान लीजिए वेट कर रहे हैं कि पॉइजनिंग है भाई, अब हम कैसे करें, फिलहाल के लिए क्या करें, तो उसके लिए समझते हैं, कुछ बातें समझ लीजिए, अगर तो पॉइजन पिया हुआ है, स्वॉलोड पॉइजन है, तब क्या करोगे, कोई भी थोड़ा भी पॉइजन है, पाउडर है, लिक्विड है, अगर पर्सन के माउथ में है, कोई बिस्किट टाइप है, कोई कोई सॉलिड है, उसको निकालो, उसको निकाल लो, राइट, सेकंड उसके अंदर अगर मान लीजिए आपको बॉटल दिखती है, तो बॉटल में लेबल लिखा होगा कि भाई ये क्या है, इसके अंदर केमिकल क्या है, वो समझ, वो साथ में रखो, अगर स्किन के ऊपर पॉइजन लगा हुआ है, मुंह के नाक के ऊपर, तो वो हटाओ, कंटेमिनेटेड क्लोथ्स हैं तो क्लोथ्स को हटा लो, रिंस द स्किन फॉर 15 to 20 minutes अंडर अ शावर और विथ अ होज और समथिंग लाइक दैट, चमड़ी साफ करो, उसके मुंह को साफ कर लो, अगर आंख में चला गया है तो जेंटली फ्लश आईज विथ ल्यूकवॉर्म या कूल वाटर, ठंडा पानी या ल्यूकवॉर्म वाटर से जेंटली आंख को फ्लश करना है 20 मिनट के लिए, 20-25 मिनट, जब तक आपकी हेल्प नहीं आती, जब तक को किसी से कहीं से आपके पास हेल्प आ जाए तब तक के लिए। अगर इनहेल कर लिया है तो इनहेल करने में क्या करना, पर्सन को फ्रेश एयर, फ्रेश एयर में लेके आओ, फ्रेश एयर, बेटा ये यहाँ पे स्टार्ट, चलो चढ़ो, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, वेरी गुड। सो अगर इनहेल कर लिया है तो पेशेंट को फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश एयर, या अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, फ्रेश एयर या ऑक्सीजन आप उसको सप्लाई कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पर्सन वॉमिट कर रहा है तो वॉमिट करने वाले पर्सन को आपने क्या करना है, उसकी सांस की नली में ना चले जाए, चोकिंग प्रिवेंट करनी है। अगर पेशेंट अगेन बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस है, तो ब्रीदिंग चेक करनी है, पल्स चेक करनी है, सांस नहीं चल रही, ब्रीदिंग नहीं कर रही, पल्स नहीं चल रही, सीपीआर करना है, यू नो सीपीआर, आई हैव एक्सप्लेन 2-3 times, राइट। उसके अलावा याद रखिए कुछ तरीके की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती उल्टी करने की कोशिश मत करवाओ, अगर कोई चीज़ खाली है तो बच्चे को मुंह में उंगली डाल के उल्टी कराने की कोशिश नहीं करनी, वाई, बिकॉज सोचो एक पॉइजन है जो ऑलरेडी एसिडिक है, जो कोरोसिव है, वो कोरोसिव यानी कि वो ऑलरेडी जला के गया, उसी को जला के वापस क्यों लाना है आपको, राइट,
उसको ऐसे नहीं बाहर निकाला जाता, उसको बाहर निकाला जाता है एक ट्यूब डाल के, गले में एक ट्यूब डाली जाती है, ट्यूब से निकाल लिया जाता है। सो ऐसे काम खुद नहीं करना, ऐसे में अस्पताल जाना है, अस्पताल में काम होगा, अस्पताल में चारकोल खिलाई जाती है गोलियाँ, या फिर नाक से या गले से मुंह से एक छोटी सी राइल्स ट्यूब डाली जाती है और उसको उसके अंदर से पहले बहुत सारा पानी डाल के उसमें से फ्लश कर लिया जाता है, पेट को फ्लश कर देते हैं, पेट से बचा हुआ पॉइजन सारा निकल जाता है, तो जो शरीर में नहीं जाता डाइल्यूट हो जाता है, बच जाता है। सो आप अपने तरफ से ये सब नहीं करें, आप बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, तुरंत के तुरंत अस्पताल लेके जाएं पॉइजनिंग के केस में। याद रखिए पॉइजनिंग सीरियस है और बच्चों के केस में बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रिवेंशन करना है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट आई होप यू गॉट द मैसेज, इफ नॉट प्लीज रिवाइंड एंड वॉच इट अगेन। ओके थैंक यू।